गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ लेसन 3, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। अब तक हमने लोकसभा तक के बारे में पढ़ा था, हम पार्लियामेंट रीड कर रहे थे जिसमें हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा था, और अब हम राज्यसभा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। द राज्यसभा फंक्शंस प्राइमली एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन पार्लियामेंट। द राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ। राज्यसभा जो है वो स्टेट्स की एज रिप्रेजेंटेटिव काम करती है, और जो राज्यसभा कोई भी अगर लॉ पास होना है तो उसमें सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है, राज्यसभा की मंजूरी भी उसके लिए ज़रूरी होती है, अदरवाइज़ वो लॉ जो है वो पास नहीं हो सकता। इट देयरफोर हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ रिव्यूइंग एंड ऑल्टरिंग द लॉज इनिशिएटेड बाय द लोकसभा। जब लोकसभा कोई कानून बनाने के लिए प्रस्तुत करती है उसको, तो उसके लिए जो राज्यसभा है अगर वो चाहे तो उसमें कुछ ना कुछ ऑल्ट्रेशन जो है वो कर सकती है। अगर ज़रूरत महसूस की जाती है तो ही वो उसमें चेंजेस जो है वो लाकर दोबारा से लोकसभा में उसको भेज सकती है कि हमें ये वाली बातें जो हैं ये सही नहीं लगी, आप इसमें बदलाव ले आइए और ये चेंजेस करके दोबारा से भेज दीजिए। द मेम्बर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेम्बर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस स्टेट्स। अब जो राज्यसभा के मेम्बर्स होते हैं उनको इलेक्ट कैसे किया जाता है, 233 जिसमें से मेंबर्स जो हैं वो मेंबर्स जो हैं वो राज्यसभा में जो इलेक्ट होते हैं वो जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं अलग अलग स्टेट्स की उनके मेंबर्स वोटिंग करते हैं, जिससे वो 233 मेंबर्स जो होते हैं वो चुने जाते हैं, और जो 12 मेंबर्स होते हैं उनको प्रेसिडेंट जो होता है वो नॉमिनेट करता है। और ये 12 मेंबर्स कौन से होते हैं, जो डिफरेंट सेक्टर्स से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया, ये इन फील्ड्स के, साइंस हो गया, इन फील्ड्स के जो सबसे रिनोन्ड पर्सन्स होते हैं उनको वो सिलेक्ट करके राज्यसभा का मेंबर बनाते हैं। ये एक परमानेंट हाउस है और इसका टर्म पीरियड जो है वो 6 ईयर्स होता है। मैक्सिमम इसके जो मेंबर्स हैं तो वो 250 तक हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगिंस विद अ क्वेश्चन आर। जब पार्लियामेंट में सेशन स्टार्ट होता है कभी भी, तो वो क्वेश्चन आर से स्टार्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या है, क्वेश्चंस जो होते हैं वो पार्लियामेंट में रखे जाते हैं। द क्वेश्चन आर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच MPs कैन एलिसिट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। जितने भी MPs होते हैं वो जो गवर्नमेंट सरकार काम कर रही है उसके बारे में, उसके काम करने के तरीकों के बारे में वहाँ पर बातचीत की जाती है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। ये एक सबसे बेस्ट वे है जिसमें पार्लियामेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। एग्जीक्यूटिव कौन होता है, कानून को लागू करने वाला, जैसे लेजिस्लेचर हमारा होता है जो कानून बनाता है, और जो एग्जीक्यूटिव होता है जो उसको लागू करता है। By asking questions, the government is altered to its shortcomings and also comes to know the opinion of the people through their representatives in the parliaments, that is the MPs. अब क्या है कि अलग अलग एरिया से, कॉन्स्टिट्यूएंसी से MPs जो होते हैं वो इलेक्ट होकर आते हैं, तो जब ये क्वेश्चंस होते हैं सरकार के सामने जो काम होते हैं उनके बारे में और लोगों के विचार जो होते हैं उनके बारे में पूरी की पूरी जानकारी जो है वो सामने आ जाती है। आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ द गवर्नमेंट इज़ अ क्रूशियल टास्क फॉर एवरी MP। हर MP जो होता है उसके लिए ये क्वेश्चन करना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, हर MP क्वेश्चन नहीं कर पाता। द ऑपोजिशन पार्टीज प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी हमारी वर्क कर रही है वो किस बिहाफ पे करती है, रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी के बिहाफ पर। जब तक ऑपोजिशन पार्टी नहीं होगी उस कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं कहला सकती, क्योंकि अगर ऑपोजिशन नहीं है तो जो भी रूलिंग पार्टी होगी वो अपनी मनमर्जी से कुछ भी काम जो है वो कर सकती है, और ऑपोजिशन जो है वो उसको कंट्रोल करके रखती है। दे हाईलाइट ड्रॉबैक्स इन द वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ओन पॉलिसीज। ठीक है, अब क्या करते हैं वो जो सरकार की कमी पेशियाँ होती हैं, जितनी भी उनकी प्रोग्राम्स पॉलिसीज होते हैं उनमें जितनी भी कमियाँ होती हैं उन सबको आगे लेकर आते हैं, और अपनी पॉलिसीज़ को बताकर कि हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो
उन पॉलिसीज से ज़्यादा बेटर हो सकती हैं, इस वजह से वो उसकी जानकारी जो है वो देते हैं। और कोई भी सरकार कोई भी बिल जो है सरकार के पास सरकार में अगर पास होना है, अगर कोई भी बिल अगर हमने पास करना है तो उसके लिए क्या है, पार्लियामेंट की मंजूरी ज़रूरी है। पार्लियामेंट का मतलब क्या हुआ कि लोकसभा की मंजूरी ज़रूरी है। फिर उसके बाद लोकसभा से आगे आ जाइए अगर आप, तो राज्यसभा के पास आएगा। राज्यसभा से फिर अगर आप आ जाइए तो प्रेसिडेंट के पास साइन करने के लिए जाएगा। जब तक इन सब लोगों की मंजूरी नहीं हो जाती तब तक भी कोई कानून जो है वो पास नहीं हो सकता। लॉ मेकिंग इज़ अ सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। वी शैल रीड अबाउट दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में लोग कौन से होते हैं। पार्लियामेंट नाउ हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। पार्लियामेंट जो है हमारा, उसमें क्या है, लोकसभा और राज्यसभा है। अब उसने कहा कि उसमें अलग अलग सेक्शंस के, अलग अलग बैकग्राउंड्स के जो लोग हैं वो ऐड होते चले जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, देयर आर मोर रूरल मेंबर्स एज ऑल्सो मेंबर्स फ्रॉम मैनी रीजनल पार्टीज ग्रुप्स एंड पीपल्स दैट वर टिल नाउ अनरिप्रेजेंटेड आर बिलोंगिंग टू गेट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट। जैसे कि गाँव से जो लोग थे अब वो भी आगे आने लगे। बहुत सारी रीजनल पार्टीज, रीजनल पार्टीज़ कौन सी होती हैं बेटा, जो कुछ एक दो स्टेट्स तक ही सीमित रह जाती हैं, वो रीजनल पार्टीज़ होती हैं। वहाँ तक वो लोग जो हैं वो भी आगे आकर MPs बनकर आगे आना शुरू हो गए हैं। और या फिर जो अब तक अनरिप्रेजेंटेड थे, जिनको कि आगे आने का अब तक मौका नहीं मिल पा रहा था, वो भी इलेक्ट होकर अब पार्लियामेंट में आना शुरू हो गए हैं। देयर हैज़ ऑल्सो बीन एन इंक्रीज इन द पोलिटिकल पार्टीज फ्रॉम द दलित्स एंड बैकवर्ड क्लासेस। जो सबसे बड़ी बात जो है पार्लियामेंट में अब क्या हो रहा है कि जो पिछड़ी जातियाँ जनजातियाँ हैं, जैसे दलित्स हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, पिछड़ी जातियाँ हैं, उनको पार्टिसिपेशन का मौका जो है वो दिया जा रहा है। और ये मौका कैसे दिया जा रहा है, थ्रू रिजर्वेशन। जैसे जैसे उनके लिए सीट्स जो हैं वो रिजर्व की जा रही हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, उनको आगे आने का मौका मिल रहा है। जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, हम अपनी डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। क्यों कहते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको कौन चुनता है, हम लोग चुनकर उनको आगे भेजते हैं, इसलिए हमारी डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है तब तक समाज को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती जब तक कि ऐतिहासिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को रिप्रेजेंटेशन में ना लाया जाए। इसीलिए हमने क्या किया, विद दिस इन माइंड सम सीट्स आर रिजर्व्ड इन पार्लियामेंट फॉर SCs एंड STs। दिस हैज़ बीन डन सो दैट द MPs इलेक्टेड फ्रॉम दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल बी फेमिलियर विद एंड कैन रिप्रेजेंट दलित एंड आदिवासीज इंटरेस्ट इन द पार्लियामेंट। अब हम क्यों हमने इनके लिए रिजर्वेशन शुरू किया, जो SCs थे STs थे इनके लिए क्यों शुरू हुआ, या दलित से आदिवासी से, इनके लिए इसलिए शुरू किया गया ताकि इनकी आवाज़ को सरकार में उठाने वाला कोई ना कोई आगे आना ज़रूर चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि लोग सिर्फ जो मेजॉरिटी क्लासेस होंगी सिर्फ उन्हीं की बातें जो हैं वो आगे चलती रहती और जो मिनॉरिटी क्लास थी वो और ज़्यादा पिछड़ती चली जाती, जिस वजह से इन लोगों को पार्लियामेंट में आने का मौका जो है वो दिया गया। सिमिलरली इट हैज़ मोर रिसेंटली बीन सुजेस्टेड दैट देयर शुड बी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन। अब क्या ज़रूरत है हमारी, जो वुमेन है उसकी अपलिफ्टमेंट के लिए क्या ज़रूरी है कि उनको पार्लियामेंट में आगे लाया जाए, उनको MPs बनाया जाए ताकि वो अपनी आवाज़ जो है, अपने हकों की आवाज़ जो है वो आगे उठा सकें। दिस इशू इज़ स्टिल बीइंग डिबेटेड। 60 years ago, आज से अगर हम 60 years पहले की बात करें तो ओनली 4% ऑफ द MPs वर वुमेन एंड टुडे इट इज़ जस्ट अबव 11%। ठीक है, तब सिर्फ कितनी थी, 4% थी और आज 11% हुई है। दिस इज़ स्मॉल शेयर, क्योंकि हम कहते हैं कि ये एक स्मॉल शेयर है। क्यों, क्योंकि हम कहते हैं कि पॉपुलेशन का आधा हिस्सा जो है वो औरतें हैं, तो अगर आधा हिस्सा औरतें हैं तो रिप्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए उनकी, लेकिन उनकी सिर्फ अभी तक 11% है। इट इज़ इशू ऑफ दैट काइंड दैट फोर्स द कंट्री टू आस्क सर्टन